हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि बैंक्स के तरफ से हमें जो 3 मंथ्स का मोरेटोरियम दिया जा रहा है, मतलब कि 3 महीने के लिए हमारे ईएमआईज मतलब कि इंस्टॉलमेंट्स या फिर इंटरेस्ट को डेफर कर दिया जा रहा है, तो इस ऑप्शन को जो है अवेल कर लेना हमारे लिए बेनिफिशियल है या फिर इसको अवेल नहीं करना हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो कौन सा हमारे लिए फ़ायदेमंद है, हम अपना 3 महीने का जो इंटरेस्ट या फिर इंस्टॉलमेंट है इसको डेफर करा लें या फिर ना कराएं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास पैसे हैं और आपके लोन का अमाउंट कम है तो उसको आप आसानी से चुका सकते हैं, तो जो है आप चुका दीजिए, डेफरमेंट वाला ऑप्शन मत लीजिए, क्योंकि डेफरमेंट वाले ऑप्शन में आपको 3 महीने का एक्स्ट्रा ब्याज देना होगा। क्लियर है? ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, एक बार फिर से देखिएगा। हमारे पास जो है आरबीआई का नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने बिल्कुल साफ साफ लिखा है, यहाँ देखिएगा, इंटरेस्ट सेल कंटिन्यू टू अक्रू ऑन द आउटस्टैंडिंग पोर्शन ऑफ द टर्म लोन्स ड्यूरिंग द मोराटोरियम पीरियड, मतलब कि टर्म लोन्स पे मोराटोरियम पीरियड में भी इंटरेस्ट अक्रू होगा, मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट आपको लगेगा अगर आप मोराटोरियम कराते हैं, मतलब कि डिफरमेंट कराते हैं अपने टर्म लोन के ईएमआईज का। क्लियर है? तो ये बातें क्लियर हो गई कि अगर आपके पास पैसे हैं और लोन का अमाउंट कम है तो आप आसानी से पे कर सकते हैं, तो इसको कर दीजिए। लेकिन अब मान लीजिए कि आपके लोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और आपके पास पैसे भी नहीं है, तो इस केस में तो जाहिर सी बात है कि आपको जो है डिफरमेंट वाला ऑप्शन लेना पड़ेगा, मतलब कि मोराटोरियम को अवेल करना पड़ेगा। तो इस केस में हमें क्या घाटा होगा इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों की ये क्वेरी आ रही थी कि सर हम क्या करें, इसको अवेल करें कि ना करें, हमें घाटा क्या है। तो हम छोटा सा एग्जाम्पल है इसके थ्रू समझते हैं कि क्या घाटा है। इसमें मैंने देखिएगा एक लोन रीपेमेंट शेड्यूल बना दिया है जिसमें हमने माना है कि लोन का अमाउंट 1 लाख रुपए है, इसका जो टर्म है वो 1 साल का है जिसको हमें 12 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 12% माना है। ठीक है? तो शीट मैंने ऐसा तैयार किया है कि इसने देखिए खुद ही मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर लिया कि अगर ये सारे कंडीशंस हैं तो 8,885 रुपये का मंथली इंस्टॉलमेंट बनेगा और 12 महीने में देने से ये ख़त्म हो जाएगा। और 12 महीने में आप कितने पैसे देंगे? 1,06,619 रुपये। ठीक है? 1 लाख रुपये के जगह आपको इंटरेस्ट के साथ 1,06,619 रुपये देना होगा अगर आप मोराटोरियम नहीं कराते हैं, मतलब कि डिफरमेंट का ऑप्शन नहीं लेते हैं, रेगुलर अपना ईएमआई पे कर देते हैं। अब ये तो हमने देख लिया, आगे देखिएगा, अगर हम लोग जो है डिफरमेंट करा लेते हैं तो मान लीजिए कि हमारा जनवरी से जो है अपना लोन शुरू हुआ था, तो जैन और फैब का मतलब कि जनवरी और फरवरी का हमने मंथली इंस्टॉलमेंट इसी हिसाब से देखिएगा 8,885 रुपये 2 महीने का दे दिया और इसके बाद हमने डिफरमेंट को जो है अवेल कर लिया, तो ये 3 महीने तो हम कुछ पैसे नहीं देंगे। इस केस में क्या होगा कि देखिएगा फरवरी में हमारा आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो जा रहा है 84,151 जिसपे हमें 3 महीने का इंटरेस्ट लगेगा और ये हो जाएगा 86,676 रुपये। तो अब 1 जून से इस पैसे पे आपका इंटरेस्ट लगेगा, तो इसको आप समझ लीजिएगा, मैंने बना दिया है पूरा, ये शीट भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा। तो उस केस में क्या होगा देखिएगा, जून में जो है अपना जो है 1 जून को प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा 86,676 रुपये। ठीक है? और आपको इतने पैसे देने होंगे, अब 92,499। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 2 महीने हमने दिए थे, कितने 2 महीने में, ये 2 महीने का 17,770 रुपये और इधर के बाकी के 10 महीने में हमने दिए हैं 92,499 रुपये। टोटल अमाउंट कितना देना पड़ जा रहा है मोराटोरियम अवेल करने के केस में? 1,10,269 रुपये। और ऐसा करने पे देखिएगा एक्स्ट्रा हमें पेमेंट करना पड़ रहा है 3,650 रुपये का। ठीक है? तो यहाँ 3,650 रुपये का हमें जो है घाटा लग रहा है अगर हम मोराटोरियम ले रहे हैं तो, लेकिन अगर मजबूरी है तो लेना ही पड़ेगा। देखिएगा हमने बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, सपोज ये अमाउंट अगर आप 10 लाख कर दीजिए तो ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट हो जाएगा सीधे 36,500 हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट का जो रेट है वो बढ़ जाता है तो फिर अपना जो एक्स्ट्रा पेमेंट बढ़ जाएगा, अगर रेट ये घटेगा तो घट जाएगा, अगर ये जो अपना इंस्टॉलमेंट का पीरियड है ये बढ़ता है तो भी अपना जो है अमाउंट बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा पेमेंट, तो ये जो आपको लॉस है। इसके अलावा देखिएगा ओडी और सीसी के केस में
बहुत ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अगर 1 लाख रुपए का अमाउंट है और आपको जो है 12% के हिसाब से, तो सिंपल सी बात है आपका 3,000 रुपये बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1% मंथली लगेगा, तो 3,000 रुपये आपका बढ़ जाएगा OD और CC के केस में। उसी तरह मान लीजिए अगर आपका क्रेडिट कार्ड का ड्यूज है, तो क्रेडिट कार्ड वालों को थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के केस में अलग अलग जो है ये चार्जेस लगाते हैं, ठीक है, और इंटरेस्ट भी ये 36% तक लगाते हैं। अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स का अलग अलग जो है इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आप अपने बैंक्स में एक बार क्लियर कर लीजिएगा कि आपके क्रेडिट कार्ड्स पे कितना जो है इंटरेस्ट लगना है, और तभी जो है मोरेटोरियम को अवेल कीजिएगा। और आई थिंक ये जो मैंने बातें बताई वो आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।